हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय पूजा। तो अभी मैंगो का सीजन बहुत ही जल्दी जाने वाला है और इसीलिए मैंने सोचा चलिए एक और नई रेसिपी बना ली जाए। तो आज मैं बनाऊंगी मैंगो फालूदा, जो बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आइए मैंगो फालूदा की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है लगभग 2 लीटर दूध और उसको गैस पर रख दिया है, और यहाँ पर मैं फुल फैट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐसे बीच में चलाते हुए एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखिए अब दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसको रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। तो देखिए दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच यूज़ किए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और अब डाल रही हूँ मैं कुछ मिक्स नट। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, बादाम और पिस्ता, उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार फिर से बॉयल आने का वेट करेंगे, क्योंकि जो चीनी है वो भी पानी छोड़ती है। तो 1 से 2 मिनट के लिए अब इसको फिर से पकाएंगे, और हमारी रबड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा हो जाने देंगे, और ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देखिए रबड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, मैंने तो इसको फ्रिज में भी रख दिया था, और ये काफ़ी थिक भी हो चुकी है। तो चलिए अब आगे हम इसमें ऐड करते हैं मैंगो प्योरी। तो मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंगो प्योरी। मैंगो प्योरी डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते ही इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देखिए ये बन गया हमारा मैंगो रबड़ी। इस मैंगो रबड़ी को अब मैं निकाल रही हूँ एक बोल में। तो फालूदा में हम मैंगो रबड़ी का भी यूज़ करेंगे, इसीलिए मैं इसमें से कुछ पोर्शन निकाल ले रही हूँ, और बाकी का जो बचा हुआ रबड़ी है उस पर मैं कुछ पीसेस ऐड कर दे रही हूँ मैंगो के। तो मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, और उसमें हल्के हाथों से हमें मिला देना है। तो ये अब जाएगा हमारा कुल्फ़ी बनने के लिए, क्योंकि फालूदा में कुल्फ़ी ना हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको मैंने कुल्फ़ी मोल्ड में डाल दिया है, और इसको 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो देखिए फटाफट हमारी कुल्फ़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो रबड़ी भी रेडी है, कुल्फ़ी भी रेडी है। चलिए अब बनाते हैं मैंगो फालूदा। तो फालूदा के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लासेस लिए हुए हैं, और उसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ अनार के कुछ दाने। आप चाहें तो रोज़ सिरप का भी यूज कर सकते हैं। अनार के दाने भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सब्जा सीड्स या बेसिल सीड्स जिनको बोलते हैं। तो इसको मैंने बस 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, और वो अपने आप से ही फूल जाते हैं, और ये गर्मियों में बहुत ही अच्छे भी होते हैं, शरीर को ठंडक देते हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें उबली हुई सेवइयाँ, क्योंकि फालूदा नहीं है अभी घर पर, तो मैंने इसीलिए उबली हुई सेवइयों को लिया है और उसको ऐड कर दिया है फालूदा की जगह। तो अब जो हमने मैंगो रबड़ी बनाई थी उसकी एक लेयर अपनी ग्लास में डालेंगे। तो दोनों ही ग्लासेस में मैंने मैंगो रबड़ी की एक अच्छी लेयर लगा दी है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ कुछ पीसेस मैंगो के। तो ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या ऐड करना है। मैंगो पीसेस ऐड करने तो ऐड करिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, या कोई और भी फ्रूट आप ले सकते हैं। और लास्ट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर मैं ऐड कर रही हूँ हमारी मैंगो कुल्फ़ी। जो कुल्फ़ी मैंने बनाई है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और एक फोर्क की हेल्प से उसको ग्लास में डाल दिया है। तो मैंगो फालूदा बनकर रेडी है। ऊपर से कुछ गार्निशिंग कर दी है, थोड़ा सा फालूदा, थोड़े से कुछ मैंगो के पीसेस, और थोड़े से अनार के दाने, और लास्ट में थोड़ा सा बेजिल सीड्स।
तो देखिए हमारा मैंगो फालूदा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज़ मैंगो का सीज़न चला जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरी पेज को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो मैं मिलूँगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।